सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गेमरॉक्स टेक। तो आज एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है ROG Phone 3 यूजर्स के लिए, क्योंकि Asus ने एक नया अपडेट लॉन्च किया है ROG Phone 3 के लिए, जो कि है बाईपास चार्जिंग। जैसे कि हम सभी जानते हैं ROG Phone 3 में एक 6000 mAh का बैटरी आता है, जिससे आप बहुत लॉन्ग टाइम तक इस फोन से गेम खेल सकते हैं। बट उसके बावजूद जब कभी आपको चार्जर लगाना पड़ता है एंड आप गेम खेलते हुए इस फोन को चार्ज करते हैं, तब ये बैटरी को नेगेटिवली इफेक्ट करता है, क्योंकि CPU एंड GPU इससे पावर ड्रॉ करने लगता है, उसकी वजह से हीट जनरेट होता है एंड उसी के साथ साथ चार्जिंग की वजह से भी हीट जनरेट होता है एंड इसकी वजह से बैटरी का जो लॉन्गजीविटी है वो कम हो जाता है। Asus ने इसका एक नया सलूशन निकाला है, जो कि है बाईपास चार्जिंग। तो इससे पहले Asus ने एक फीचर लॉन्च किया था चार्जिंग लिमिट, जिससे बैटरी केयर में एक लेवल सेट कर सकते थे एंड जब बैटरी उस लिमिट पे आ जाता था तब जो फोन है वो बैटरी के बजाय चार्जर से चलने लगता था। बट इसको Asus ने इस बार और ज्यादा एनहेंस किया है एंड इसका नाम रखा है बाईपास चार्जिंग। इससे होता क्या है, ये चार्जिंग लिमिट जैसा सिमिलर ही है बट इसमें कुछ नए एडवांटेजेस है। जैसे कि आपको इसमें कोई लिमिट सेट करना नहीं पड़ेगा, आप इसे अपने आर्मरी केट से कभी भी एक्टिव कर सकते हैं एंड ऑफ कर सकते हैं। इससे होता क्या है, जब आप इस फीचर को यूज करेंगे उस टाइम पे ROG Phone 3 बैटरी को यूज करना बंद कर देगा एंड अपने जो चार्जर है उससे रन होने लगेगा। इसकी वजह से जो फोन का हीट है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा फोन को चार्ज करते हुए यूज करने पे, खास करके गेम खेलने पे बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है। तो इससे फोन का जो हीट है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड उसके साथ साथ बैटरी का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये अपडेट अभी यहाँ पे लॉन्च हुआ नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फीचर में आपको वो वाला अपडेट नहीं देखने मिलेगा। बट ये अपडेट लॉन्च होने वाला है कुछ ही टाइम पे, शायद अभी ये टेस्टिंग में हो। तो इस वर्जन का जो नाम है वो है 17.08.23.2008.70 एंड जो अपडेट हमारे पास यहाँ पे है फाइनल वो है 2007.58। तो ये नया वर्जन अभी भी लॉन्च हुआ नहीं है स्पेशली इन इंडिया में, बट आने वाले टाइम पे Asus इसे लॉन्च कर देगा। तो आने वाले टाइम पे आपको ये फीचर अपने फ़ोन पे मिल जाएगा ऑटोमेटिक या मैनुअल अपडेट के द्वारा। तो अगर आपको मैनुअल अपडेट करना नहीं आता तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने ROG Phone 2 एंड ROG Phone 3 का दोनों का ही प्रोसेस बताया है, तो आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।